हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? सिंपल आप बोलेंगे, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बना देता है तो वैसे को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा और एक न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो ये है कुछ एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, अगर इसी को हम लोग सिंबॉल में लिख दें, यानी कि सिंबॉल्स में डिनोट कर दें, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। फॉर एन एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। अब इसी को सिंबॉल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। तो अब क्या हो गया, When Mg react with O2 gives MgO, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर सिंपल आप इसका स्टेटमेंट बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, इसे हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए जो मैंने पहले इक्वेशन लिया था, Mg plus O2 gives MgO, तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम एक है, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम एक है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन दो है बट प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एक है, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसे हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अब इसी को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम के आगे दो लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम दो हो जाएगा और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के आगे यानी कि MgO के आगे दो लगा दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन भी दो है, प्रोडक्ट में भी दो हो जाएगा, मैग्नीशियम भी दो हो गया और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम दो रिप्रेजेंट कर रहा, तो ऐसे को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप ये क्वेश्चन को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट्स हो रहा है बच्चों, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं? देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो वैसे को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे देख सकते थे रिएक्टेंट में दो है बट प्रोडक्ट सिंगल बना रहा, तो ऐसे को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये अपोजिट है, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा मिलके एक बना रहा है बट डिकम्पोजिशन में एक सिंगल दो या दो से ज्यादा में टूट रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसका ये अपोजिट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, C plus O2 gives CO2, तो कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब सेकंड देखिए, CaCO3 टूटा है CaO plus CO2 में, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट है और टूट रहा है दो या दो से ज्यादा में, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? देखिए, सिंपली वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, हीट को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। और वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, यानी कि हीट निकले, तो वैसे को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है ना? तो आई थिंक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले आपको जानना होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते किसको है। देखिए, जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, तो वैसे को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लेके रखा है। पहला इक्वेशन देखिए, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि कॉपर के जगह पे खुद जाकर के बैठ गया है और कॉपर को अलग कर दिया। इससे ये पता चल रहा कि आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे? आयरन जो है वो सिंपली सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर दिया और खुद कॉपर के जगह पे जाके बैठ गया, तो रिएक्शन बन गया Fe प्लस CuSO4, रिएक्टेंट में था, और प्रोडक्ट बना दिया FeSO4 प्लस Cu। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग डबल का बात करते हैं। देखिए, नीचे वाला जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। देखिए, AgNO3 प्लस NaBr गिव्स AgBr प्लस NaNO3। क्या हो रहा, ध्यान से देखिएगा, Ag जो है वो Br के साथ चला गया और जो Na है वो NO3 के साथ चला गया, तो देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो ऐसे को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल में एक होगा, डबल में दो होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको उससे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानना होगा। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन गेन करे या ऑक्सीजन रिमूव हो। क्लियर है? अब रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसा कोई इक्वेशन या ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, वैसे को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। देखिए ध्यान से, जो कॉपर ऑक्साइड था वो प्रोडक्ट में सिर्फ कॉपर बन गया, यानी कि CuO से Cu में बदल गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि रिमूव हो गया, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है इसमें। अब दूसरे केस में देखिए, हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट में H2O बना रहा है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन गेन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो देख रहे हैं, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसे ही रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आपने देखा होगा कि कोई भी आयरन का आर्टिकल्स होता है तो उसमें पेंट किया होता है, उसके पीछे क्या रीजन है? सिंपल एक रीजन है, जो पेंट है वो क्या करता है? आयरन को कोरिजन से बचाता है, यानी कि जंग लगने से बचाता है। पेंट क्या करता है? एक तरह का एक लेयर के ऐसा काम करता है जो कि आयरन को बाहर का जो एटमोसफेयर है, जो उसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट, यानी कि आयरन को रिएक्ट करने नहीं देता है बाहर के एटमॉस्फेयर से। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि आयरन में जो है वो जंग ना लगे, यानी कि कोरिजन से हम लोग बचा सके। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डिफाइन कोरिजन एंड रेंसिडिटी। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेंट को इस्तेमाल करते हैं कोरिजन से बचाने के लिए, तो कोरिजन होता क्या? सिंपली जब कोई मेटल
एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कोरिजन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे फिगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो फिगर लिया, एक जो है वो न्यू चेन का है और जो सेकेंड है वो ओल्ड चेन है, यानी कि इसमें रस्ट लग चुका है, जंग लग चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कोरिजन इन कॉपर, कॉपर में कोरिजन होता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, जो लेयर है वो ग्रीन कलर में होता है। और अगर यही सिल्वर में होता तो सिल्वर में कैसा कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। आई थिंक कोरिजन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी किसे बोलते हैं, सिंपल इसका आप डेफिनेशन देखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको समझते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि जब मेटल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कोरिजन होने लगता है। तो सोचे जब मेटल का ये हाल है तो हमारा खाने का क्या होगा, है ना। तो उसी तरह जब फूड यानी कि वो फ्रूट्स हो या फिर कोई भी खाना हो, दाल चावल कुछ भी आप ले लें, जब फूड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो ये भी क्या होता है, हमारा फूड जो है वो सड़ने लगता है धीरे धीरे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रैंसिडिटी। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ब्रेड का दिख रहा है फोटो, तो ब्रेड क्या हो रहा है, कुछ दिन रखने के बाद ऐसे नॉर्मल बाहर में एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखने के बाद ब्रेड जो है वो सड़ने लगा। और आपने चिप्स को देखा होगा कि एक पैकेट में पैक रहता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है ना। तो इस तरह का हम लोग बहुत सारा प्रोसेस को यूज करके हम लोग खाना को क्या करते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर से ना आए, इससे हम लोग बचाते हैं, है ना। उसके बाद आप एयर टाइट कंटेनर में भी रख देंगे तो भी आपका खाना सेफ रहेगा। तो ये था आपका रैंसिडिटी। आई होप आपने कोरिजन और रैंसिडिटी दोनों को अच्छे से समझा होगा। अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन बताया था कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, है ना। अब हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करता है, सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, ताकि वो खाना को प्रिपेयर कर सके। तो उसमें हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो उस वक्त नॉर्मल एयर लेते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि सांस जो है, जो हवा जो निकला वो गर्म एयर निकला, है ना, हीट भी निकला साथ में। इसीलिए कहा जाता है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है और रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हीट जो है वो रिलीज होता है, मतलब हीट इवॉल्व होता है। क्लियर है, आई थिंक आपने दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये एक बोनस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। आपको इसका आंसर देना है, इसका रीज़न देना है कि क्यों हम लोग उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।